in order to understand the financial performance of a company we have learned that there are different types of financial statements that help us in understanding how a company or an organization is performing in financial terms so just by looking at the financial statements give you a summary that this is how the things are moving on and the company is doing good or doing bad but at the top of it is skilava देर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी को फर्दर एनालाइज uh, करने में उसको डिटेल में समझने के लिए मदद देती हैं एंड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज तो हम कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें क्या बता रही हैं या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है ओवर टाइम इज इट डूइंग गुड इज 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 इट गंग बैड इसको एनालिसिस करने के लिए इसको बहुत बेहतर तौर पे कीनली एनालाइज करने के लिए हम फाइनेंशियल रेशियोज़ के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए या फ़ाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरह के फाइनेंशियल रेशोज़ अवेलेबल हैं जो कि हमें डिफ़रेंट डायमेंशन से फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है या डिफरेंट डायमेंशन से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरह से बहुत केयरफुली uh, एनालाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी या आप अपनी कंपनी को डिफरेंट कंपनीज के फाइनेंशियल um, परफॉर्मेंसेस के साथ में मैच करेंगे या कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको फाइनेंशियल रेशियोज़ मदद देती हैं इन सारे आस्पेक्ट्स को समझने के लिए तो बेसिकली दे हेल्प यू दीज रेशल्प यू इन समराइजिंग द

आप उसको कंपेयर करते हैं टोटल रिटर्न जो कि आपने कोई भी स्टॉक से जनरेट किया है सो दिस दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स यू इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू योर इन्वेस्टर के दिस इज द ओवरऑल रिटर्न विच विच इज अर्नड बाय दिस कंपनी एंड दैट कैन हेल्प द इन्वेस्टर टू डिसाइड वेदर ही और शी विल इन्वेस्ट इन योर कंपनीज स्टॉक और कंपनीज शेयर और नॉट सो आपकी शेयर के टर्म्स में ओवरऑल आपका रेट ऑफ़ रिटर्न क्या था वो हमें टोटल शेयर होल्डर रिटर्न से अंदाजा होता है उसके बारे में और उसमें या इसको सिंपल वर्ड्स में हम इसको बोल सकते हैं कि टी एस आर इज़ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑल्सो और ये कंसिडर करेगी आपकी डिफरेंट तरह की कैश फ्लोज जो कि किसी भी इन्वेस्टर को मिलेगी ओवर दैट टाइम पीरियड जहाँ जिसमें उसने आपके साथ में इन्वेस्ट किया है या आपका शेयर बाय किया हुआ है सो दिस इज़ हाउ दे कैन इवेल्यूएट वेदर और नॉट दे नीड टू इन्वेस्ट इन योर शेयर इन योर कंपनीज शेयर और नॉट सो दैट गिव्स यू द ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोफिटेबिलिटी या उसका रिटर्न को आप उस इसके थ्रू माअर करते हैं और इट इज़ बेसिकली और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ये वो तमाम टोटल अमाउंट है जो कि आप इन्वेस्टर को वापस करने जा रहे हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के बदले में और टी एस आर को हम कैलकुलेट कैसे कर करते हैं आपने उसके लिए करंट प्राइस ऑफ द शेयर लेना है उसके लिए आपने परचेज़ प्राइस या इनिशियल टाइम पीरियड जो जिस टाइम पीरियड पर आपने वो बाई किया था या आपने सेल किया मार्केट में वो वाले टाइम पीरियड की आपने प्राइस लेनी है जिसको हम इनिशियल प्राइस या परचेज़ प्राइस बोल रहे हैं और बाय द एंड ऑफ द ईयर जो आपका उसका प्राइस है आप उसको कंसिडर करेंगे सो करंट प्राइस में से परचेज प्राइस निकलेगी और उसमें ऐड हो जाएगी जो भी साल के एंड में कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है और इस इस पूरी चीज़ को आप डिवाइड कर देंगे अपनी परचेज प्राइस से तो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ टी एस आर या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विच यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द शेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी वी आर टॉकिंग अबाउट सो लेट्स अस्यूम दैट देर इज दिस कंपनी जिसने देर इज़ एन इन्वेस्टर जिसने किसी कंपनी के शेयर सौ शेयर बाय किए और जो परचेज प्राइस था उसका वो ट्वेंटी डॉलर पर शेयर है और उसने अभी भी अपने पास वो शेयर रखे हुए हैं और डिविडेंड बाय द एंड ऑफ द ईयर हर शेयर के ऊपर जो सौ रुपए का एक शेयर है एक शेयर के ऊपर कंपनी ने साढ़े चार डॉलर का डिविडेंड आपको दिया है और अभी आपने जो करंट प्राइस दिन कंसिडर की टी को कैलकुलेट करने के लिए तो करंट प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर गई है फ्रॉम डॉलर ट्वेंटी टू डॉलर ट्वेंटी फ़ोर तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि किस तरह से टी एस आर की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है सो so अभी तीनों चीज़ें आपके पास मौजूद हैं जो कि आपको फॉमूला में चाहिए सो so आप करंट प्राइस विच इज़ ट्वेंटी फोर डॉलर को मे से सब्ट्रैक्ट करेंगे इनिशियल प्राइस जिसके ऊपर आपने वो शेयर को बाई किया एंड दैट वॉज़ ट्वेंटी डॉलर और इसमें ऐड हुई थी फोर पॉइंट फाइव जीरो की डिविडेंड तो न्यूमरेटर में आप Uh, जो करंट प्राइस है माइनस द परचेज प्राइस की को का डिफरेंस निकालेंगे उसमें आप डिविडेंड को ऐड करेंगे दिस विल मेक योर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर uh, में आप रखेंगे आपका ओरिजिनल प्राइस जिसके ऊपर आपने वो शेयर बाय किया था और आप इसको सॉल्व करेंगे एंड इफ यू वांट टू एक्सप्रेस इट इन परसेंटेज ओवरऑल रिटर्न इन परसेंटेज फॉर्म क्या है इंटरनल रेट ऑफ़ रिटर्न या टीएसआर की वैल्यू तो फॉर इन दिस एग्जांपल इट टर्न्स आउट टू बी 42.5 टू पॉइंट फाइव So which is which is something considered to be as a good return. So uh, sufficiently high share uh, की, so that means that on average there is this return of 42.5%, which you are going to get. So it is important that whenever we calculate any financial ratios or whenever we calculate TSR in particular, there are some other financial ratios also. which we are going to discuss in subsequent sessions. Uh, but when we are talking about financial ratios, then it is important. There are several key points that are to be considered. That there are koi bhi jab hum investor ko um, um, investor uh, किसी भी stocks में investment करता है, तो वो दो तरह से पैसे कमा सकता है. एक तो जब आपने stock लिया, उसकी कीमत में भी demand और supply के interaction से over time increase कर गई. आप उसको बेचेंगे मार्केट में वहाँ से आप पैसा बना सकते हैं और दूसरा तरीका होता है इन्वेस्टर के पास पैसे कमाने का कि अगर कंपनी जिसमें आप जिसके आपने शेयर्स बाय किए हैं इट डिड वेल well. उसने बहुत अच्छा वाला फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिया है तो उससे आपको डिविडेंड्स मिलेंगे सो दीज आर द टू वेज थ्रू विच एन इन्वेस्टर कैन मेक मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक्स ऑफ अ कंपनी और वेन वी कैलकुलेट द टोटल शेयर होल्डर्स रिटर्न इट कंसिडर्स द कैपिटल गेन एंड द डिविडेंट्स टूगैदर सो दिस इज वॉट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड और वेन वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ़ आई आर आर और टी एस आर यानी कि टोटल शेयर होल्डर रिटर्न की वैल्यू को हम देखते हैं तो ये बहुत आसानी से समझने की है समझ आने वाली है क्योंकि जब आप इसके फॉर्मूला को देखेंगे तो इट्स जस्ट द डिफ्रेंस बिटवीन द करंट प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस और इसमें डिविडेंड एड हो रहा है और आप उसकी रेशो निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द प्राइस विच यू हैव पेड इन ऑर्डर टू बाय द थिंग सो सिंस द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इजी इट बिकम्स ईजी फॉर आस टू अंडरस्टैंड कि ये हमें क्या कह रहा है इसका मतलब है कि अगर आप ट्वेंटी uh, रुपीज़ का एक स्टॉक बाई करने वाले हैं और ट्वेंटी फोर रुपीज़ आपको उसका अभी वाला कीमत मिल रहा है आप उससे अर्न कर रहे हैं प्लस आपको साढ़े चार डॉलर की या साढ़े चार रुपए की आपको डिविडेंड भी मिली है तो आपका टोटल जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा हाई है विच विच हैज़ बीन कैलकुलेटेड इन दिस एग्जाम्पल एज़ फोर्टी टू पॉइंट फाइव परसेंट